अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी कासिम रशीद फ्रॉम लैंड होल्डर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लैंड होल्डर के यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं लैंड होल्डर का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑल ओवर पाकिस्तान लीगल सोसाइटीज़ और लीगल प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर की जाती है। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो बैरियर टाउन में बनने वाले अपार्टमेंट्स हैं। कराची और इस्लामाबाद के बाद अपार्टमेंट का ट्रेंड लाहौर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें आप बैरियर टाउन में अब मोस्टली जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं वो अपार्टमेंट और कमर्शियल चौक के हैं। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो बैरियर टाउन के अंदर सेम डेवलपर्स का 15वां प्रोजेक्ट है तूर के नाम से। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं अलीफ होल्डिंग डेवलपर्स की। बैरियर टाउन के अंदर सेम डेवलपर्स का ये 15वां प्रोजेक्ट है, जिसका नाम तूर और AR-15 भी हम इसको कह सकते हैं। व्यूअर्स, मैं इनके डेवलपर्स के बारे में थोड़ा बताता चलूँ तो इनके 10 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीट डिलीवर हो चुके हुए हैं। 11वां और 12वां फ्यू मंथ्स में इसका पोजेशन हासिल हो जाएगा। 13वां और 14वें की कंस्ट्रक्शन जारी है, और ये जो 15वां प्रोजेक्ट तूर के नाम से है इसके नेक्स्ट मंथ में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। व्यूअर्स, ये प्री लॉन्चिंग प्राइस में आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसके लोकेशन के बारे में आपको मैं थोड़ा बताता चलूँ, बैरियर टाउन के अंदर इकबाल कमर्शियल में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। इसके साथ साथ मैं मज़ीद बताता चलूँ कि बैरियर टाउन की बड़ी मस्जिद से आगे आते हैं क्लॉक टावर, क्लॉक टावर से राइट साइड पर इकबाल कमर्शियल है। और इसकी एक लोकेशन अट्रैक्टिव इसलिए बनती है कि बैरिया बड़ी मस्जिद और आईफल टावर के बिल्कुल मिड में ये लोकेशन है इसकी एग्जैक्ट। व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट के अगर कैटेगरी के बारे में बात की जाए तो इसके बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल शॉप और ग्राउंड फ्लोर से ऑनवर्ड अपार्टमेंट बनने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम कमर्शियल शॉप की प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसमें 20 लाख इसकी टोटल अमाउंट है। इसमें आप 35% डाउन पेमेंट और 35,000 पर मंथ के हिसाब से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस है कमर्शियल शॉप के हवाले से, जो बैरियर टाउन में बहुत ही कम ऑप्शन ऐसी फ्राहम की जाती हैं। इसके अलावा मैं अगर अपार्टमेंट के बारे में बताता चलूँ तो इसमें अपार्टमेंट में दो तरह की कैटेगरीज हैं। इसमें 57 लाख और 61 लाख की इसकी कैटेगरीज है। इसमें जो टोटल अमाउंट 57 लाख और 61 लाख है, इसमें आप 35% डाउन पेमेंट से आप इसको बुकिंग करवा सकते हैं, बाकी आप मंथली इंस्टॉलमेंट पर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसकी जो आपको रेंटल इनकम प्रोवाइड किया जाएगा, फुली आपको हलाल वे से रेंटल इनकम प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप जितना आपका अपार्टमेंट यूटिलाइज होगा, जितना आपका अपार्टमेंट यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रेंटल इनकम प्रोवाइड किया जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 70,000 से 90,000 के राउंड अबाउट बनता है। व्यूअर्स, अगर हम इनके डेवलपर्स के बारे में बात करें तो इनके डेवलपर्स बहुत ही मायानाज नाम कंसीडर किया जाता है बैरियर टाउन में, क्योंकि इनके जो प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम देखें तो अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये बिफोर टाइम अपने डिलीवर कर चुके हैं। बैरियर टाउन में इन्होंने शॉर्ट टाइम में एक अच्छा अपना नाम बनाया। व्यूअर्स, ये बेस्ट टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बाइंग करने का, ताकि आप शॉर्ट टाइम में अच्छा रिटर्न हासिल कर सकें। आपको इसमें बुकिंग से रिलेटेड या किसी और प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या बुकिंग करवाने हो तो आप ऑन स्क्रीन मेरा नंबर देख सकते हैं। ओवरसीज क्लाइंट सेम नंबर पे मुझे व्हाट्सएप और IMO पे अप्रोच कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।